यजिरा तई अपने दुख सहा, जही दुख व्यापी रहा संसार। जो दुख गृहस्थ को भी दुखी करता है, जो दुख राम को भी प्रभावित करता है, कृष्ण को भी दुख प्रभावित करता है, जो दुख विरक्त को भी आकर के दबोचता है। क्या गिरही क्या बैरागी, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। जो दुख बच्चों को भी नहीं छोड़ता, महिलाओं को नहीं छोड़ता, स्त्रियों को नहीं छोड़ता, पुरुषों को, धनियों को, निर्धनों को, पशुओं को, पक्षियों को दुख है। दुख का रूप बदला है, तरीका बदला है, अंदाज बदला है, लेकिन दुख है, साधारण दुख नहीं। किसी को बीमारी से दुख है, किसी को पति के गलत चाल चलन से दुख है, किसी को पत्नी के दुराचरण से दुख है, और किसी को अपने बच्चों की मनमानी से दुख है, किसी को बहुओं के आलस्य से दुख है, और किसी को सासू के तांडव से बहुत दुख है, और किसी को लड़कियों के उपद्रव से बहुत दुख है, और किसी को नकली साधुओं से भी बहुत दुख है, और किसी को ढोंगी भक्तों से भी बहुत दुख है, और किसी को गरीबी से दुख है, तो किसी को खुद के अहंकार से भी बड़ा दुख है, और किसी को ईर्ष्या से दुख मिल रहा है, किसी को अपने खुद के क्रोध से दुख मिल रहा है। स्वभाव क्रोधी है, सहनशीलता नहीं है, हसमुख नहीं है, प्रसन्न नहीं है, गम खाने की शक्ति ही नहीं है, इसलिए दुखी है। दुर्वासा ऋषि भी दुखी हुए थे, क्यों? अम्बरीश नाम का एक राजा था, भक्त था, उसने यज्ञ किया, हवन किया, भूखे प्यासे रहकर किया। उसके थोड़ी देर बाद वो पहर बीत जाता तो खा पी नहीं सकते थे। दुर्वासा आ गए, दुर्वासा को देख करके प्रणाम किया अम्बरीश राजा ने, महाराज भोजन भंडारा लीजिए। अरे मैं स्नान करने जाता। अरे तो तेरे को स्नान करके आना चाहिए था ना, मैलुआ यहाँ आ गया फालतू, स्नान करने जाएगा तो फिर क्यों आया, उधर ही से नहा के आ जाता, गलत काम है। नहाने गए, वहां देर लगा दिया। अम्बरीश ने कहा जब तुम स्नान करके आओगे तुमको खिलाकर तब खाऊंगा। जब बहुत देर हो गई, सूर्य अस्त होने लगा, तो ब्राह्मणों ने कहा कि अब कम से कम जल तो पी लो आप, क्योंकि फिर दूसरा पहर लग जाएगा तो कुछ खा पी नहीं सकते आप, ये व्रत चल रहा आपका। पानी पी लिया, तब तक दुर्वासा आए, सुना कि बिना मुझे खिलाए पानी पी लिया। दुर्वासा ने अपना अपमान समझा, नाराज हो गया, अपनी जटा एक तोड़ी और तोड़ करके मंत्र पढ़ करके जटा से आग पैदा हो गई और फेंक दिया अम्बरीश राजा के ऊपर कि इसको जलाकर भस्म कर दो। वो जटा अम्बरीश को भस्म करने के लिए दौड़ती है, अम्बरीश भागता नहीं है, हाथ जोड़कर बैठ जाता कि भस्म हो जाऊं चाहे मर जाऊं, भागूंगा नहीं, हे भगवान अब तुम ही रक्षा करो। विष्णु भगवान लक्ष्मी से बैठे हुए बात कर रहे थे, एकदम विचलित हो गए, और विचलित होकर के कृष्ण भगवान खड़े हुए और चक्र सुदर्शन वहां से भेजा कि जाओ अम्बरीश की रक्षा करो और दुर्वासा को सबक सिखा दो। तुरंत चक्र वहां प्रकट हुआ और चक्र मारने के लिए दुर्वासा की तरफ दौड़ा। दुर्वासा वहां से भागे, ब्रह्मा के पास गए बचने के लिए। ब्रह्मा ने कहा मैं नहीं बचा सकता, शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास बोले मैं भी नहीं बचा सकता इस चक्र से। बोले विष्णु भगवान के पास जाओ, उन्होंने चक्र छोड़ा है। वहां गए, बोले मैं नहीं बचा सकता, अम्बरीश से जाकर के माफी मांगो, तुमने बहुत बड़ा पाप किया, अम्बरीश जैसे भक्त को दुख दिया, अपनी जटा तोड़कर आग लगा दी, क्या समझ रखा तुमने, उसकी भक्ति में ताकत है,
जा करके अम्बरीश से क्षमा मांगते। अम्बरीश उनके पांव पड़ गए कि मैं क्या क्षमा करूं। तब जा करके वो चक्र सुदर्शन शांत हो। ये दुर्वासा ऋषि की कहानी क्यों है? क्योंकि ऋषि बनो, मुनि बनो, साधु बनो, संत बनो, गुरु बनो, कुछ भी बनो, लेकिन थोड़ा शांति रखो। बाबा जी भक्तों को श्राप नहीं देना चाहिए, ये जटा तोड़ करके आग पैदा कर रहे हो। सारी जटा मुंडन करा दो, जाकर बात खत्म। बड़ी आग लगी तुम्हारे अंदर, इतना क्रोधी स्वभाव। साधु का शांत स्वभाव होना चाहिए। दुर्वासा ऋषि बनने की क्या जरूरत है भाई? राम भगवान कहे जाकर के जिद किया लक्ष्मण से, तो वहां भी तुमने गड़बड़ मचा दिया। तुम्हारी बुद्धि विवेक कब आएगा? लक्ष्मण जी पहरेदारी में हैं, राम जी अंदर हैं। राम जी दुखी हैं सीता के वियोग से। राम ने कहा लक्ष्मण अंदर किसी को आने मत देना। दुर्वासा ऋषि उसी समय पहुंच गए, बोले मैं अंदर जाऊंगा। लक्ष्मण ने कहा अंदर जाने नहीं दूंगा, रुको यहीं, भगवान जब निकलेंगे तब मिल लेना। दुर्वासा नहीं माने, बोले भस्म कर दूंगा अवैध्या को। तो लक्ष्मण डर गए, बोले जाओ अंदर, जो होगा सो। अंदर घुस गए। राम भगवान रो रहे थे, दुखी थे सीता के वियोग। राम भगवान को बड़ा संकोच लग गया, शर्म लग गई। कोई बहुत बड़ा आदमी दुखी हो, रो रहा हो, और तुम घुस जाओ अंदर मिल लो, तो क्या बात? उसको संकोच नहीं लगेगा, शर्म नहीं लगेगी, लज्जा का दुख नहीं होगा। दुर्वासा मिलकर चले गए, खाम खाम मिले, कोई काम तो था नहीं, खीसे काटना था बस, चले गए। राम ने तुरंत लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण दुर्वासा को क्यों अंदर आने दिया? अरे प्रभु वे कह रहे थे हम अविद्या भस्म कर देंगे। अरे बोले उसके भस्म करने से भस्म होती है, तो फालतू अंदर घुस गया कर। आज लक्ष्मण तुम्हारी सेवा से हमको दुख लगा, अंदर क्यों आने दिया? अब इस बात को सुनकर लक्ष्मण दुखी हो गए। राम ने कहा जाओ पानी लाओ, पियेंगे प्यास लगी। यम सरियों में पानी लेने के लिए लक्ष्मण गए। लक्ष्मण इस दुख में डूब गए कि भगवान आज हमसे दुखी हो गए। 14 साल वनवास में सेवा किया, भगवान को दुख नहीं लगा, खुश रहे। ये दुर्वासा के लफड़े में भगवान हमसे दुखी हो गए। लक्ष्मण सरियों में डूब जाते हैं, लाश झाड़ी में फंस जाती है, देर हो जाती है। राम भरत को बुलाते, तुम जाओ देखो लक्ष्मण कहाँ। देखा जाकर लक्ष्मण डूब गया, भरत भी सह नहीं पाते, वो भी डूब गए। शत्रुघ्न को बुलाए कि दोनों नहीं आए, आज्ञा का उल्लंघन कर रहे, कहाँ रुके, जाओ पानी लाओ, उनको बुला के लाओ। देखा जाकर वो दोनों डूबे हुए हैं, शत्रुघ्न भी डूब गए। राम स्वयं गए, देखा जब तीन भाई डूब गए तो जीकर मैं क्या करूंगा, वो भी डूब गए। क्या बात करते, गुप्तार घाट में गुप्त हो गए, समा गए, लुप्त हो गए। ये दुर्वासा ऋषि को ऐसा करना चाहिए था। जिद्दी क्रोधी आदमी विनाश ही करता है, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पतना हो, और चाहे नेता हो। जितना आदमी जिद्दी होगा, क्रोधी होगा, हठी होगा, विनाश के अलावा कुछ करेगा नहीं। ये दुर्वासा की कहानी सिखाती है कि दुर्वासा जैसी आदत किसी संत को नहीं रखना चाहिए। गुस्सा होना, क्रोध करना, जिद करना, हट करना, इस आदत को छोड़ दो साधु बाबा। कितना विनाश किया है, अम्बरीश के लफड़ा डाल दिया, फिर वहां भगवान राम के लफड़ा पैदा कर दिया। क्रोध से ही मशहूर थे दुर्वासा ऋषि। अरे गम क्यों नहीं खाते हो भाई, विवेक क्यों नहीं करते हो? वहां अंदर घुस के मिलकर करोगे भी क्या? शांति से रुको, इंतजार कर लो। हमारे यहां कोई मिलने आता है, हमारे गेट पर 2-4 संत रहते, रोक देते, यहां बैठो, दर्शन कक्ष में बैठो। वो मेरे बेडरूम में घुसना चाहता है, जहां मैं विश्राम करता हूं, पढ़ाई करता हूं, अध्ययन करता हूं, जिद करता, मैं बहुत बड़ा भगत हूं, अंदर घुसूंगा। अंदर क्या करेगा तू भाई? दुर्वासा ऋषि है क्या? बहुत बड़ा भगत बनता है, बहुत बड़ा संत बनता है, यहां नौटंकी बनाने आए फालतू? मेरे को अध्ययन करने दे, पढ़ने लिखने दे, प्रवचन कौन सुनाएगा? तेरे से गप्पा मारूंगा तो शांति से रहूंगा नहीं, ध्यान करूंगा नहीं, तो ये ज्ञान आएगा कहां से? वो अंदर घुस रहा फालतू, द्वारपाल पे नाराज हो रहा। अरे द्वारपाल को धन्यवाद दो, और जो गुरु का नियम है उसका पालन करो, बाहर बैठो इंतजार करो, और टाइम नहीं है तो गुरु की चौखट के पांव छू करके चले जाओ, तुमको फल मिल जाएगा। यहां धुंधुमत मचाओ।